थी आपको, 25 डेट है आपकी की। किसी स्टूडेंट ने 8.4 प्रश्नावली का 16 क्वेश्चन पुनः पूछा है, तो इसको हम देखो क्वेश्चन को दोबारा बता रहे हैं आपको, ठीक। और भी क्वेश्चन पूछने आप इसी तरीके से पूछते रहिएगा। ये 16 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है LHS को RHS प्रूव करना, ठीक। तो यहां पर tan थीटा क्या आएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या आएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, आगे क्या आएगा, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको कई बार होता है क्लियर नहीं होता है, तो आप tan cot को sin cos में चेंज कर लिया करो, तो tan क्या हुआ sin upon cos, cot क्या हुआ cos upon sin, cot क्या हुआ cos upon sin, और tan क्या होगा sin upon cos। यह आएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे ले लेंगे साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी आपका क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां एलसीएम ले लीजिएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है, देख रहे हो कि दोनों आपके अंश, दोनों आपके जो हर हैं, इसकी तुलना में हर ये बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। निशान चिन्ह करना है, तो इसको हम ऊपर लिए डाले हैं, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, दोनों के हर हमारे सेम हो रहेंगे, ठीक। इसीलिए क्या करते हैं, देखिए साइन हमारा ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन ऊपर चला गया, ठीक। नीचे क्या बचा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस है, ऐसे कॉस ऊपर चला गया, क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। इससे अगर माइनस कॉमन लो तो निशान चिन्ह हो जाएगा, ठीक। आपने पढ़ाया कि बी माइनस ए ये होता है माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन अंदर चिन्ह हो गया, तो माइनस कॉमन निशान से चिन्ह हो गया, तो इसमें देखिए आप समझिए कि इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह हो जाता है, ठीक। दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान आपका है कॉस थीटा, ये अब आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे क्या करते हैं हम, इससे माइनस कॉमन लेंगे, आपका निशान चिन्ह हो गया, ये प्लस था और इससे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, अंदर ये चेंज जैसे ही हुआ था, ठीक। तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें ले लेंगे एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, ठीक। ये क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक। इसके आगे देख लीजिए अब क्या करेंगे आप, अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, बताओ क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे इधर गुणा हो जाएगी, क्या आएगा साइन क्यूब थीटा, बाहर बराबर होगा साइन से गुणा होगी, हर बराबर करने के लिए कॉस से गुणा होगी, तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे आपका लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके आगे देख लीजिएगा आप ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह आपका ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला आपको यहां लगाना पड़ेगा, ठीक। इसमें लगा देंगे, ये चाहो तो बटे में आ जाएगा, थोड़ा और सरल कर सकते हो, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यह अपान में आ गया कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिखा आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपका क्या है, ये अपान में आ गया, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्म लगाओ, ये ए है ये बी है, तो बताओ क्या आएगा, ए माइनस बी। अगले ब्रैकेट में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगले ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इसका मान क्या आएगा, वन आएगा, वन सब संख्या पढ़ी आपने वन, और आगे क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया वन अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों पान के नीचे यही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, कास कास आपका कैंसिल, ये आपका वन बचेगा सिर्फ, ठीक। और वन अपान कॉस किसके बाद उल्टा होता है जानते हो सिर का, और अनुपान साइन किसके कॉस के, क्यों ऐसे किया, क्योंकि आगे लिखा हुआ हमारा जिसमें ऐसा लाना है, तो कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और ये आपका वन, आप इसको पढ़ दीजिए वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका हो गया आरएचएस, प्रूफ हो गया आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। इसको फिर देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने इसको दोबारा पूछा, हम आपको बता रहे, ठीक। तो इसमें आप पहले एक्स देंगे, आप टैन के स्थान पर साइन अपान कॉस, कॉट के स्थान पर कॉस अपान साइन आप ले लेंगे, या लघुत्तम ले लिया, इधर भी लघुत्तम ले लिया, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्यों चला गया, क्योंकि ये सेम दिखाई पड़ रहा है, ठीक, इसीलिए इसको ऊपर कर दिया हमने, ऊपर ऊपर किया तो स्क्वायर हो गया, अब आपका बिल्कुल सेम दिखाई पड़ रहा है, इससे माइनस कॉमन ले लिया, चेंज हो गया, दोनों हम लघुत्तम ले लेंगे, आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब इसमें इसमें एलसीएम ले लेंगे, इससे इधर मल्टीप्लाई होगी, इससे इधर मल्टीप्लाई होगी, क्यूब बन गया, ये अपान में आ गया, क्यूब का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो फार्मूला लिखा है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, वो फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, आपका ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, आपका इसका मान वन हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में लिखा है, तो ये पानी आ गया, ये पानी आ गया, और आपका जो है आरएचएस आ गया, ठीक, ये प्रूफ हो गया आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखो विविधि और अच्छी प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको पिछली वीडियो मिल गया होगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता, ठीक। देखिए इसमें क्या दिया है, पहले लिखा है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका एक्स दिया है, और ये आपका वाई दिया है, ये प्रूफ करना है, तो इसको हम साइन और कॉस में से कन्वर्ट कर लें, बताओ भाई कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉट थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाता है, ये साइन थीटा अपॉन क्या आएगा कॉस थीटा बराबर एक्स, ये आपका गिवन था, इसमें लघुत्तम ले लीजिए आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका क्या आएगा कॉस का थीटा, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स, इसका मान वन हो गया, वन अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकालेगी, ऐसे आप देखो वाई की वैल्यू निकालेंगे कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाई, से क्या होता है कॉस का उल्टा, तो वन अपान कॉस, कॉस आपका ऐसे रखिए क्योंकि साइन कास में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, कास आप लघुत्तम ले लीजिएगा, वन माइनस कास इसमें गुणा हुई कास का थीटा बराबर वाई, और वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा के नहीं, सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट ये बराबर पढ़ा है,
कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका y आ गया, ये y का मान फाइंड आउट हो गया। ठीक, ये y का मान निकल आया। अब आपको जो प्रूफ करना है वो लाना है कि ये x = हमारा 1 लाना। ठीक, तो इसमें आप पहले x ले लेंगे। इसी टाइप का एक एग्जांपल भी है, वो भी लगा लेना घर में। x स्क्वायर y की पावर 2/3 माइनस x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 2/3 इसकी पावर, मान रख दीजिएगा। एक्स का मान करो क्या है, एक्स का मान 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, एक्स का मान था, ये स्क्वायर का मान हो गया। अब क्या है वाई का मान, वाई का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 2/cos थीटा, यह आएगा 2/3 माइनस एक्स का मान बोलो क्या है 1/sin थीटा कॉस थीटा, और वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, ठीक ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस थीटा रहेगा। ठीक, इसकी पावर 2/3 है, माइनस क्या आएगा, ये सबको क्लियर हो रहा कि नहीं, मैं एक्स का मान लिख दिया स्क्वायर, वाई मान लिख दिया, ऐसे एक्स का मान लिख दिया वाई का मान, स्क्वायर आपका बाहर है तो लगा देंगे, पावर बाहर जो है 2/3 है। ये रहेगा आपका 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या आएगा साइन की पावर 4 थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 2/3। ठीक, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। ठीक है, अब क्या आएगा 1/cos थीटा और ये कॉस थीटा, ये रहेगा कॉस क्यूब थीटा, और इसकी पावर 2/3 माइनस माइनस क्या होगा साइन थीटा और साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 3 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा भाई 3 पावर बचेगी, नीचे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और ऊपर लिखा है 2/3, क्या लिखा है 2/3। अब इसको इधर देख लीजिएगा, यहीं पर देख लीजिएगा 1 की पावर 2/3 तो 2/3 रहेगा, और कॉस क्यूब थीटा इसकी पावर 2/3 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी पावर 3 बाहर रहेगी, और 2/3 पहले से था वो लिखा रहेगा, इसकी क्यूब पावर बाहर निकालनी, ये 3/3 पावर कट गई आपकी, ये 3/3 पावर कट गई, आ जाएगा 1/cos² थीटा 1/cos² थीटा, और ऊपर क्या आएगा sin² थीटा भाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और नीचे क्या आएगा cos² थीटा, एलसीएम ले लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यह आएगा 1 - sin² थीटा, यह आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा कट गया आपका 1, यह आपका प्रूफ हो गया आरएचएस। थोड़ा सा एक मिनट और देख लीजिएगा इसमें, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये हार्ड वाले क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में ना के बराबर आते हैं, आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान दीजिएगा कि आपने एक्स का मान निकाल लिया साइन के कास के पदों में, वाई का मान साइन कास के पदों में निकाल लिया, एलएचएस ले लिया, एलएचएस में वाई एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 एक्स वाई स्क्वायर 2/3 एक्स का मान लिख दिया इसका स्क्वायर लगा दिया, वाई का मान ऐसा रहेगा इसकी पावर 2/3 आएगी माइनस अगले ब्रैकेट में 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और वाई का मान लिख दिया इसका स्क्वायर हो गया 2/3। ठीक, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया,
ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, साइन क्यूब थीटा आएगा, टू अपॉन थ्री बाहर है, साइन थीटा कैंसिल, यहां पर पावर फोर थी, थ्री बचेगी, तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, क्यूब इसका बाहर कर लिया, ये आपका थ्री थ्री कैंसिल आउट, ये भी थ्री थ्री कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आया, इसमें cos स्क्वायर थीटा आप लघुत्तम ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, बना गया ये आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक, ये आपका दसवां क्वेश्चन, यदि tan a बराबर m tan b तथा sin a बराबर m sin b, तो सिर्फ कीजिए ये आपको लाना है, आप लिख लीजिएगा भैया, सभी हार्ड क्वेश्चन है, इनको क्लियर समझिएगा, और ये आपका साथ tan a अपान आएगा tan b बराबर है, इसको sin cos के पदों में चेंज करने ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी मेथड से आपका m का मान भी है, तो यह आएगा sin a अपान क्या आएगा cos a, और tan के स्थान क्या आएगा sin b अपान क्या आएगा cos b बराबर है, ये पलट जाएगा साइन ए अपान कॉस ए, ये ऊपर हो जाएगा क्या आएगा कॉस बी अपान साइन बी, ये एन का मान आ गया। ठीक, एन का मान निकला है, ये का मान इतना हो गया क्या साइन ए इंटू कॉस बी अपान में हो गया कॉस ए इंटू साइन बी, ये एन का मान साइन कॉस के पदों में आ गया, एन का मान ऐसे एम का मान निकालेंगे भाई, साइन ए बराबर एम साइन बी, ये आपका गिवन है, इससे एम का मान निकालेंगे क्या आएगा साइन ए अपान क्या आएगा साइन बी, ये एन का मान निकल आया था, ये आपका एम का मान निकल आया, लाना आपको प्रूव करके ऐसा है। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम आरएचएस ले लें, तो एलएचएस आ गया, क्योंकि एलएचएस लेने से कोई फायदा नहीं, पर इसका करोगे क्या, तो आरएचएस ले रहे हैं, बताओ भाई आरएचएस में क्या लिखा एम स्क्वायर माइनस वन, नीचे क्या लिखा है एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम का मान बताओ क्या है, एम का मान क्या है साइन अपान साइन बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वन, और एन का मान क्या है एन का मान साइन ए इंटू कॉस बी अपान में आपका है कॉस ए इंटू साइन बी और माइनस वन है। ठीक, और इसका आपका होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक, ये क्या आएगा साइन स्क्वायर अपान आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस वन, ये क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी अपान में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए और क्या रहेगा साइन स्क्वायर बी माइनस वन, आप पर एलसीएम दे दीजिएगा साइन स्क्वायर बी, यह रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, इसके नीचे आप एलसीएम दे दीजिएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, यह आपका उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू रहेगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इतना आपका होगा। ठीक, अब देखिए इसमें वैसे क्या था कि कुछ फार्मूले पुराने थे वो आपके लग जाते, ठीक, लेकिन वो फार्मूले आपके कोर्स में है नहीं, तो आपको उस मेथड से लगाना नहीं है। ठीक, आगे क्लास में जाओगे ये दूसरे मेथड से भी लग सकते हैं, किसका और स्क्वायर बार कर लिया और स्क्वायर बार एक बार जोड़ लो घटा लो, जोड़ने वाले का अलग सूत्र बन जाएगा घटाने वाले का अलग सूत्र बन जाएगा,
उसी का सूत्र होगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो सूत्र आपके कोर्स में टेंथ के सिलेबस में हम नहीं रचे हैं, ठीक। तो हम उस मेथड से नहीं लगा रहे हैं, हम दूसरे मेथड से बताएंगे, ठीक। पर इसको काट दीजिए, आपका साइंस का भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये आपका ऊपर चला गया, क्या आया कॉस स्क्वायर ए, अगले ब्रैकेट में क्या आ रहा आपका ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये आपका कट गया, ये आपका ऊपर चला गया, ये ब्रैकेट में ऐसा हो गया। अगले ब्रैकेट में क्या लिखा आपने नीचे वाले में कि साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो जो कॉस वाले हैं इनको हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। इसको चिन्ह कर लो, क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, आगे क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू आएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तुम्हारा जो साइन स्क्वायर ए ऐसा रहेगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को साइन में, और आपका इस तरीके से, ठीक। अब इसके आगे क्या आएगा, ये आपका लिखा है कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, आगे आपका क्या है माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस आपका प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये माइनस है, प्लस है, कट जाएगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और अपान में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया क्या कॉस स्क्वायर ए, यही आपका एल एच एस था, ठीक। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम यहां पर आपके टैन और काट आपके दोनों टैन दिए हैं, ठीक। इससे इनका मान निकाल लिया, इसको साइन अपान कॉस में चिन्ह कर दिया, ठीक, क्योंकि साइन अपान कॉस में ये भी हमारा एम वाला भी है, इससे हमने एम का मान निकाल लिया, इससे एम का मान निकाल लिया। इसमें एल एच एस ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या करेंगे इसका, आर एच एस में ले लिया, एम का मान लिख दिया, एन का मान लिख दिया, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर सब लगा दिया हमने, ये लघुत्तम ले लिया, इधर भी लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक, ये भी ऊपर हो जाएगा ऐसा, ये वाला भाग हमारा कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर लाना है, तो इसमें कुछ करना नहीं, बचा कर रखना है, ये वाला सेम कर ले, तो सेम करने के लिए ये साइन है और यहां पर कॉस दी है, तो कॉस को हम साइन में चेंज कर लेंगे, सर्व सिमटा आपने पढ़ी है, ठीक। तो कॉस स्क्वायर बराबर हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बराबर क्या हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आपका माइनस प्लस आपका कट गया, ठीक, ये आपका माइनस और आपका प्लस ये कट गया, कटने के बाद आपका इतना शेष बचा, ये कट गया आपका ये आ गया, ठीक, ये हो गया एचएस प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 11, यही विविध का ही क्वेश्चन है, एल बराबर दिया हुआ है हमारा, एम बराबर दिया है, ये प्रूफ करा रहा, ठीक। तो इसमें पहले देख लीजिए, ये सेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपका एल दिया हुआ है, और इसको थोड़ा सरल कर लें कि कॉसिक इसका उल्टा था साइन का, तो वन अपॉन साइन, ये भी आपका साइन बराबर एल, साइन आप एलसीएम ले लीजिएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एल, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या लिखा है साइन थीटा बराबर एल, वन अपान साइन थीटा, ये साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका दिया हुआ एल, ठीक। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने सर्वसंहिता में पढ़ा हुआ है, ये एल का मान आ गया हमारा, ठीक। ऐसे ही से एल का मान निकाल रहे हैं, सेक थीटा कॉस थीटा बराबर एम, ये भी आपका गिवन है, इसे क्या करेंगे
वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है। आप इसमें भी एलसीएम ले लीजिएगा, कॉस थीटा बराबर एलसीएम ले लिया, सॉरी कॉस थीटा बराबर नहीं होगा, एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एम। ये भी सर सुनकर पढ़ी है, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एम। इस तरीके से आपके एल और एम के मान साइन और कॉस के पदों में आ गए। ठीक, जैसा कि अभी इसके ऊपर भी बताया था हमने, उसी पेपर से क्वेश्चन और था तो उसमें देते हैं एलएचएस क्वेश्चन नंबर 9 भी बताया था इसी तरीके से था बिल्कुल। तो इसमें एलएचएस ले लेंगे, आ जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। ये एल का मान कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसका होला स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। एम का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और अब क्या लिखा है, एल एल का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। एम का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एम स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 3 है। ठीक, अब इसमें क्या करना है देखिए, ये आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, भाई पावर 4 हो गई, नीचे क्या आया साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा साइन की पावर, ठीक है साइन की पावर 4 थीटा, ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या आ जाएगा आपका कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका भैया साइन की पावर 4 थीटा और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3। ये स्क्वायर है, ये पावर 4 है, ये ब्रैकेट आपका छोटा ब्रैकेट अब लग गया। ठीक, इसमें क्या होगा, ये आपका साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पावर 2 बचेगी, कॉस स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पावर 2 बचेगी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आप उत्तर ले लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करनी पड़ेगी, किससे गुणा करनी पड़ेगी कॉस स्क्वायर थीटा से, तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा कर दीजिएगा तो बताओ क्या आएगा आपका, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3, आगे क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, या का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद आपका इतना से सोचा था कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या किया हमने क्यूब बाहर कर लिया। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, आपने फार्मूला पढ़ाया a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपने पढ़ा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट क्या हुआ a माइनस बी। ठीक, तो इसी से हमने निकाल लिया फार्मूला इसका, किसका a क्यूब बी क्यूब का, a क्यूब बी क्यूब का फार्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, पूरा में वाला भाग इधर पक्षांतर कर दिया। ठीक, तो जब पक्षांतर करेंगे तो निशान चिन्ह हो जाएगा, तो ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला हमारा एक ये बन गया। ठीक, ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला हमारा एक और होता है, अगर वो करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला आपका और भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक, इससे भी कर सकते हो और हम आपको इससे करके बता रहे हैं। ठीक, करके देख रहे हो आप लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, आप इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसी का फार्मूला यहां लगा दे रहे हैं, क्या लगाएंगे भैया, ए के स्थान पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया होल क्यूब माइनस थ्री, और क्या लिखा है ए इंटू बी माइनस थ्री, आपका रहेगा ए इंटू बी और इसके ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी और आगे आपका क्या लिखा है प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपका लिखा है। ये पूरी एक लाइन है आपकी, ठीक। इसके बाद देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार फिर से आप लोग कि ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक। ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला, तो वो आपका ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला क्या लगा रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी, इसी के आगे ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी और आगे आपका ये टोटल आपका लिखा था वही लिख दिया गया, ठीक। इसी के आगे पूरा लिख दिया गया। अब देखिए इसका मान वन हुआ तो वन का क्यूब हो गया, आगे थ्री है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये है इसका मान वन हुआ तो वन आएगा कूड़े में, प्लस आपका थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन का क्यूब वन आएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका वन आ गया, ये हो गया आपका आरएचएस, ठीक। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। उसके बाद यहां पर पावर सिक्स बना ली थी, यहां पर क्यूब बना लिया और इसका फार्मूला आपको लगाना, ठीक। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने निकाला, इससे निकाला, चाहो तो आप इससे कर लेना, थोड़ा चिन्ह हो जाएगा आपका अलग दूसरे तरीके से हो जाएगा। हमने इससे लगाया आपको ए क्यूब बी क्यूब का निकालना, क्यों निकाला क्योंकि माइनस थ्री ए बी है और ये आपका प्लस थ्री ए बी है तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसके बारे में सोच लिया हमने, ठीक, कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। यहां पर ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए और ये हो गया प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी आपके ब्रैकेट में ए प्लस बी, आगे आपका जो लिखा है वही उतार दिया गया। इसका मान वन, वन का क्यूब, इसका मान वन रहेगा गुणे में उतने रहेगा, आगे आपका ये है इससे उड़ा करेंगे माइनस का है ये प्लस का है दोनों कट जाएंगे वन आ जाएगा आरएचएस हो गया, ठीक। तो हम जाएंगे वैसे शुरू से ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये एम का मान है, ये एम का मान है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक। तो यहां बराबर आपका ये दिया है साइन का कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। आपका कॉस अल्फा अपॉन साइन साइन बीटा, ये बराबर एम का मान दिए, ये एम का मान दिए, एम का मान, ये आपका गिवन है, ठीक। ये मान आपके दिए हुए हैं, लाना मुझे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो आप एलएचएस ले ले रहे हैं, एलएचएस ले लिया एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस में है, यहां पर प्लस है देखिए, और ये कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। हम मान रख देते हैं एम का, एम का मान क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा इसका होल स्क्वायर है और एन का मान क्या है कॉस अल्फा साइन बीटा इसका होल ऑफ स्क्वायर है, ठीक। और बाहर क्या लिखा आपका है कॉस स्क्वायर बीटा है, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आपका अल्फा अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा और अगले ब्रैकेट में आपका लिखा है कॉस स्क्वायर बीटा।
इतना आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप एलसीएम ले लीजिएगा कॉस स्क्वायर बीटा और इनटू क्या है साइन स्क्वायर बीटा, तो इससे इसमें गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस इससे इसमें गुणा कर दीजिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है भाई, दोनों ऐसे दे दिए तो इससे इसमें गुणा करनी पड़ेगी, इससे इसमें गुणा करनी पड़ेगी, तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। आगे आपका लिखा है कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, ये लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर अल्फा मिल रहा है, ये साइन स्क्वायर बीटा है और ये क्या है कॉस स्क्वायर बीटा है, ठीक, तो इसको एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हो साइन को कॉस में चेंज कर ले, तो बताओ क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि यह मालूम है कि ये साइन सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, या इसमें हम कॉमन ले लेते, ठीक, इससे अगर हम कॉमन ले ले तो इसका मान वन हो जाएगा, बात एक ही चीज है, ठीक, चलो हम कॉमन ले लेते हैं, इससे कॉमन ले लिया, बताओ क्या कॉमन लिया, कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो बताओ क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा आएगा और प्लस क्या आएगा कॉस स्क्वायर बीटा, उस मेथड से भी हो सकता है जैसे हम बता रहे थे आपको, उससे भी कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है आपका साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, बैसन ने कास्कार अल्फा कास्कार अल्फा का मान ले लिया, ये बचा ये लिख दिया, इसका मान समकार पढ़ा हमने, त्रिकोण की सब संख्या पढ़ी वन होता है, ये आ जाएगा कास्कार अल्फा इंटू वन, नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर बीटा, स्क्वायर बाहर कर लीजिए, कास्कार कास अल्फा ये आएगा साइन अल्फा और बाहर आपका होल ऑफ स्क्वायर, और ये देखिए एन का मान है, ठीक, ये बराबर किसका मान है एन का, ये आपका एन स्क्वायर आ गया, ये हो गया आरएचएस आपका, एनएचएस इक्वल टू आरएचएस, फिर ध्यान दीजिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें आपका एक गिवन है, इसमें हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस में आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाहर का स्क्वायर बीटा दिया है, एम का मान रख देंगे एन का मान रख देंगे, ये का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, एलसीएम ले लिया, इसे इधर गुणा हो गई, इसे इधर गुणा हो गई, ठीक, नीचे आपका ये आपका कट गया, साइन स्क्वायर बीटा बच गया, इसमें से हमें कॉमन मिला है, क्या कॉमन मिला है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, ये इधर बचेगा ये इधर बचेगा, इसका मान वन हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, स्क्वायर बाहर कर लेंगे, ये मान एन का हो गया, एन स्क्वायर आपका आरएचएस आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 13, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, आपको लाना है p स्क्वायर माइनस वन p स्क्वायर प्लस वन बराबर sin थीटा, इसको आप दो मेथड से लगा सकते हो, ठीक, एक आपका एग्जांपल नंबर इससे पहले एट है वो भी इसी मेथड से, उसमें cos लिखा होगा cot लिखा होगा, ठीक, वो प्रूव करा रहा बिल्कुल उसी मेथड से लगाओगे, ठीक, जिस मेथड से बताएंगे उसी मेथड से एग्जांपल करना, बुक में आपका दूसरा मेथड दिया होगा वो सीख पाना तो उससे करना, ठीक, जैसे आपको समझा रहा है, इसको हम दो मेथड से आपको बता देंगे, दो मेथड से लगा लेना, ये आपका 13 क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है, कि आपका दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, एक तो ऐसे ही हम चिन्हित से नहीं कर रहे हैं और आप प्रूव कर रहे हैं, इसमें ले लेंगे हम LHS, हम इसको दो मेथड से बता रहे हैं और दोनों मेथड आपके बुक के मेथड नहीं है, बुक में एक मेथड दिया वो समझ लो आपका तीसरा मेथड होगा, आप जिस मेथड से सीख जाना उसी मेथड से इसके पहले के एग्जांपल नंबर 8 आप लगाओगे इसी मेथड से, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस वन, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वन, इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस टू से थीटा इंटू टेन थीटा और आपका माइनस वन ठीक से इसका भी सूत्र लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी और आपका प्लस वन ठीक। इसमें देख लीजिए माइनस वन इसके पास करेंगे ये आपकी एक सर्वसंख्या बन जाएगी और प्लस वन इसके पास नहीं किया प्लस वन इसके पास बनेंगे सर्वसंख्या नहीं बनेगी ठीक। तो भैया हमने माइनस वाला इसके पास कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस वन ब्रैकेट में लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा इंटू टेन थीटा ठीक आपका sec स्क्वायर थीटा अगले ब्रैकेट में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर आपका टू sec थीटा इंटू टेन थीटा आपका रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस आ रहेगा आपका tan स्क्वायर थीटा वन इसके पास कर लिया था वन इसके पास कर लिया जिससे सर्वसंख्याएं बन गई हमारी ठीक। वन इसके पास नहीं किया क्योंकि फार्मूला नहीं बन रहा है ठीक। यह आपका tan स्क्वायर थीटा फार्मूला बराबर है ये tan पहले से दिया हुआ है यह आपका टू sec थीटा इंटू tan थीटा यह आपका sec स्क्वायर थीटा है आगे आपका यह भी sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। भाई आपने इस पर त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़ी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन और इसके दो रूप भी पढ़े हैं आपने ठीक sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर tan स्क्वायर थीटा ठीक है और sec स्क्वायर थीटा निकालते हो तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा उसी से रिलेटेड है ठीक। आगे क्या आएगा टू sec थीटा इंटू tan थीटा आपने वैल्यू कितना हो गया टू टू tan स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा इंटू tan थीटा नीचे आ गया टू sec स्क्वायर थीटा प्लस टू sec थीटा इंटू tan थीटा ठीक। इसके आगे आपका लगेगा इसमें कॉमन आ रहा आपका कुछ क्या कॉमन ले ले टू tan थीटा कॉमन यहां क्या बचेगा tan थीटा आगे भी यहां क्या बचेगा प्लस sec थीटा उसके बाद देख लीजिए इसमें क्या कॉमन टू sec थीटा क्या आ गया यहां पर sec थीटा प्लस tan थीटा यहां पर चिन्ह लिखा कोई दिक्कत नहीं कट गया ठीक। a प्लस b और नीचे b प्लस a बात तो थी कट गया टू टू आपका एक कैंसिल आउट हो गया क्या बचा tan थीटा अपान क्या बचा sec थीटा आपका हो गया sin थीटा अपान cos थीटा और ये हो गया वन अपान cos थीटा ये कैंसिल हो गया आपका आ गया sin थीटा हमारा आ गया LHS इक्वल टू RHS। इसी मेथड से आप एग्जांपल नंबर एट करेंगे एक बार इसको फिर देख लीजिए और फिर इसका हम दूसरा मेथड बताएंगे ठीक है आपको बुक से अलग मेथड है ये आपके ये आपका दिया है पी बराबर एल एच एस ले लिया पी का मान रख दिया पी का मान ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया फार्मूला लगाने के बाद थोड़ा सा सोचना है कि माइनस वन किसके पास कर दे कि गायब हो जाएगा ये इसके पास कर दे प्लस वन किसके पास कर दे गायब ये हमारा फार्मूला हो गया टेन स्क्वायर थीटा ये sec स्क्वायर थीटा हो गया ये दोनों सम कर दिया आपके टू हो गया ये भी टू हो गया इससे कॉमन ले लिया इससे कॉमन ये वाला वहां कट गया ये टू टू कट गया sin अपॉन cos और इसका वन अपॉन cos 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 कट गया sin थीटा ये हो गया RHS ठीक। बताया था उसमें हमारा p का मान दिया था हमने RHS में p का मान रख दिया था a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया था फिर सर्वसंख्या का उपयोग करके हल कर लिया था। इसका हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं आपको भी कि आपका sec थीटा tan थीटा इसको sin cos में कन्वर्ट करने पहले हम लघुत्तम ले लिया अब मुझे p स्क्वायर लाना है तो दोनों ओर वर्ग कर दिया कि दोनों पक्षों में या दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों हमारा वर्ग हो गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया नीचे cos का थीटा
इसकी सबसंख्या लगा दी क्या क्यूबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वन का स्क्वायर वन होता है स्क्वायर लगा दी हमने सूत्र लग दिया एक बार जोड़ दो एक बार घटा लो जोड़ लो खत्म क्या बचा वन प्लस साइन थीटा नीचे वन माइनस साइन थीटा इसमें अपने तिरछी गुणा करा दी तिरछी गुणा कराने के बाद पी से पी स्क्वायर से गुणा कर दी ठीक अब क्या करेंगे साइन वाले पास कर देंगे और बाकी सब हटा देंगे उधर ये वाला इधर रहेगा प्लस हो गया ये इधर रहेगा पक्षांतर करने पर निशान चेंज इससे साइन थीटा कॉमन पी स्क्वायर प्लस वन बचा आप साइन थीटा निकालोगे क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस वन अपान आएगा पी स्क्वायर प्लस वन तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 के दो मेथड हो गए जो मेथड सरल लगे उसी मेथड से सीखना है और उसी मेथड से आपको एग्जाम्पल नंबर कट भी करना है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है आप कमेंट्स में लिखकर भेजिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा ठीक